हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। टुडेज वीडियो थोड़ा सा एक जानकारी वाला वीडियो है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ अबाउट डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म। जिस आप लोगों ने डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, तो ये वीडियो उसके लिए है। तो कुछ जानकारी मैं देना चाहती हूँ जो मैं जान पाई अबाउट स्टिपेंड्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए, कि कब और कैसे ये स्टिपेंड्स सॉल्व होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गो डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म। ओके, ये जो मेरा जो साइन इन मैं कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा मैं आप लोगों को मैं दिखा देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो स्टिपेंड्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो अभी तक है, और कैसे और कब ये सॉल्व होगा, मैं वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं कि माई वर्कस्पेस में ऑलरेडी ओपन हो गया है, और यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है, बट आई थिंक जो स्टिपेंड्स है वो अभी तक ही आया है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टिपेंड्स हैव एग्जॉस्टेड प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो यहाँ पे जो यही हो रहा है। ओके, सो आई क्लोज माय टास्क। ओके, अब मैं जो बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो स्टिपेंड्स वगैरह की जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये जल्दी ये सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी से ये जो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म जिस कंपनी से ये स्टिपेंड्स कलेक्ट करता है, तो उस कंपनी का जो स्टिपेंड्स का जो काम था वो हम लोग ने ख़त्म कर दिया है। इंडियन पीपल सो वो अभी वो एंड हो गए हैं। तो फिर से जो स्टिपेंड्स वो अभी आ रहा है, आना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने दो दिन पहले मैंने काम किए थे, मैंने ये ऑन किए थे ये देखने के लिए कि क्या स्टिपेंड्स आ रहा है। तो तब मैंने देखा कि कुछ स्टिपेंड्स आ रहा है। मैंने लगभग 200 स्टिपेंड्स मैंने टास्क कंप्लीट किए थे। तो मेरा ये आप लोगों के साथ ये गुजारिश है कि ये जो है ये वेबसाइट फेक नहीं है, ये बिल्कुल ही जेन्युइन साइट है। यहाँ पे जो जिस कंपनी से ये लोग स्टिपेंड्स कलेक्ट करते हैं, तो उस कंपनी का जो स्कैन डेटा है वो अभी ख़त्म हो गए हैं। तो वो अभी प्रोसेसिंग हो रहे हैं। तो आई थिंक कि एक मोस्ट प्रॉब्ली 20 to 30 डेज में ये स्टिपेंड्स आ जाएंगे सबके पास, क्योंकि आई थिंक मैंने दो दिन पहले मैंने जो स्टिपेंड्स मैंने टास्क मैंने कंप्लीट किए थे, मेरी तरह से और भी कुछ फ्रेंड्स वो किए होंगे शायद। तो मेरे जो आपके साथ मैं जो बताना चाहती हूँ तो वो ये है कि अभी इंडियन के पूरे जो लोग हैं इंडिया में, जिस लोगों ने यहाँ पे काम करते हैं, वो सब ने ये अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये जो सबके लिए अवेलेबल का जो ये है, तो ये मैं आई थिंक सो कि कुछ दिन बाद आई थिंक मैक्सिमम 30 डेज, तो आफ्टर 30 डेज के बाद तो ये स्टिपेंड्स आ जाएंगे। और आई थिंक कि सब इसके ऊपर काम फिर से चालू कर सकते हैं, आई थिंक सो। तो यही आज का वीडियो है, यही इन्फॉर्मेशन है कि स्टिपेंड्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक कुछ नवंबर और दिसंबर से ये स्टिपेंड्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो स्टिपेंड्स वो उस कंपनी ने प्रोवाइड किए थे वो सब के सब कंप्लीट टास्क हो चुके थे, कोई भी और बाकी नहीं थे। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम चल रहा है, और जब वो टास्क फिर से आ जाएंगे तो हम सब वो कर सकते हैं। या सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, यही वो इंफॉर्मेशन था, मैं यही आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई हिट द लाइक बटन, इट्स अ मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।